अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अहमद है। मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, मगर मैं लास्ट 15 ईयर से पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम कर रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। मैंने ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर की थी, मगर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में है। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी इस वक्त इन्फेंटाइल स्टेजेस पे है, बहुत अर्ली स्टेजेस पे है पाकिस्तान में। दुनिया में ये रिकग्नाइज़ किया गया कि बच्चे जो हैं उनकी फिजियोलॉजी बड़ों से टोटली डिफरेंट होती है, इसी तरह उनकी ट्रीटमेंट उनकी प्रॉब्लम्स की बड़ों से रिलेटिवली डिफरेंट होती है। अब एक इस्टेब्लिश स्पेशलिटी है वर्ल्ड ओवर, मगर पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। बच्चों के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर पैदाइशी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा जो बच्चों में इंजरीज होती हैं खास पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और फॉल्स, उससे रिलेटेड इंजरीज जो हैं वो सारी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डोमेन में आती हैं। कंजेंडल प्रॉब्लम्स में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें पाँव का टेढ़ापन, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जिसे हम कहते हैं पैदाइशी जोड़ निकला हुआ, और इसके अलावा कमर का टेढ़ापन, ये चीज़ें सबसे कॉमनली प्रेजेंट करती हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। फिलहाल हम लोग प्राइमरीली जो हैं ट्रीट कर रहे हैं ट्रॉमा, मगर उसके अलावा हम लोगों का बेसिक जो डोमेन है वो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो एक तो पैदाइशी पाँव के टेढ़ेपन, दोनों पाँव या एक पाँव, उसके अलावा पैदाइशी तौर पर कूल्हे का जोड़ निकला होना। इसका जितनी अर्ली ट्रीटमेंट होगी उतना बेहतर इलाज होगा। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है कि जब बच्चे हमारे पास प्रॉपर टाइम पे रेफ़र नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ट्रीटमेंट और मुश्किल होती जाती है, क्योंकि टेढ़ापन जैसे जैसे पाँव का टेढ़ापन बढ़ता है उसके बाद हड्डी जो है वो भी टेढ़ी होती है, और इसी तरह हिप का जो टेढ़ापन है या हिप का डिसलोकेट होना वो जैसे जैसे बड़ा होता है 8 साल की उम्र तक उसकी ट्रीटमेंट तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में फेस करते हैं वो ये है कि बच्चों का जब ट्रॉमा होता है यानी बच्चों को चोट लगती है, जो कि बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर इंजरीज बाजू की या टांगों की इंजरीज, उसमें बच्चे जो ड्यू टू द स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स उनको लेके जाया जाता है पहलवानों के पास, और पहलवान उन्हें इनिशियली ट्रीट करते हैं और आफ्टर अबाउट 2 or 3 days उनकी स्टेट इतनी बुरी हो जाती है कि वो अनट्रीटेबल हो जाते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सोसाइटी में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि द इनिशियल ट्रीटमेंट हैज़ टू बी गिवन बाय अ डॉक्टर, चाहे वो पेरिफ्री पे गांव में हो या शहर में हो। ये जो एक स्टिग्मा, ये जो एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है कि जी इनिशियली द पेशेंट हैज़ बी टेकन टू अ बोन सेटर, वो चीज़ हमें डिस्करेज करनी है ऑल लेवल पे, हुकूमती लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे, ताकि बच्चे जब डॉक्टर के पास आएँ तो वो डॉक्टर उन्हें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ट्रीट कर सके। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो इस स्टेज पे पहुँचे होते हैं कि हमें एट टाइम्स उनकी सिर्फ सेल्वेज प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जो इनिशियल इंजरी है उस इंजरी को ट्रीट नहीं किया जाता, सिर्फ सेल्वेज प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ये अवेयरनेस सिंपल है कि इधर इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम विद चाइल्ड इंजरी होगी तो द पेशेंट इज़ इमीजिएटली टेकन टू एन एमरजेंसी लोकल और इन द मेन सिटीज़। उन्हें बोन सेटर्स और क्रैक्स के पास ना लेके जाया जाए ताकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कराने चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मरहम आपको इस सिलसिले में फैसिलिटेट करेगा।